नूडल्स खा रहे हैं ये लोग। आप भी खा लीजिए। तो कैसा बना है? टेस्टी है? अच्छा बना है। आज इस रूम में काम चल रहा है जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं। बंद किए हैं इन्होंने तो। ऊपर का भी आज हम लोगों ने सफाई किया है। यहाँ पे भैया हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो छत पे वाइपर लगा तो वो लगा देता हूँ। क्या लगा? अब नहीं, अब बस हाँ दिन भर वही सब करते हैं। मेरा मन हो रहा था बहुत टाइम से कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो मैं पीने जा रही हूँ। ऊपर का साफ करते करते हाथ में बहुत कट हो गया है, बहुत ज़्यादा कट हो गया हाथ। चले, थैंक यू सो मच। देखो कोई बोलेगा ये रूम कल ही साफ होकर रखा है, इसमें सामान देखो कितना बिखर गया। फिर भी अब पता है तुम ही लोग का सामान है। मैं यूट्यूब पे ये सीखी है इसे कोक बनेगा, लेकिन इसमें मुझे कॉफ़ी और दूँ डालें, तब जाकर तुम जैसा चाहते वैसा बनेगा। देखो अच्छे से फोम उसका बन चुका है। अभी और बनेगा, उठा के दिखाऊं। वो ज़बरदस्त, ऊपर डाल देना, नीचे भी डाल देना, फिर दूध डालना, एकदम चिल्ड दूध डालना और उस पर आइस क्यूब भी डाल देना, तो मस्त रहा। आइसक्रीम में तो और मज़ा आता। पीने बना लिया है, अब इसमें ये डालेंगे। तो कितना ग्लास बना रही हो तुम ये बताओ पहले। दो एक कप। कल भी ये बनाई थी बट ना मुझे नहीं देती। मैंने आपको नहीं दिया था। पता है आपको, यहाँ पे ये आइस क्यूब डाली थी, पूरा आइस क्यूब का पानी आ गया, तो पानी तो मुझे पिलाई थी। पता है कि नहीं? चिपू क्या कर रहे हो, मत करो। ये दूध डालूंगी, ये क्या कहते हैं, आइस डालूंगी। देखो बहुत मक्खी उड़ा है। बिना तुम्हारा गिराए पड़ाए कुछ काम नहीं होता ना, तो मक्खी उड़ा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चील दूर नहीं है, यही तो बेकार कर दी तुम। लेकिन लाइट ही नहीं है। इस पे भी डालो, ऊपर से मैं ये डालूंगी। कोकोआ पाउडर डाल लूँ? एक कप और दीजिए, एक कप और बनेगा। इसको ना अभी तुम ना अभी मत पीना, इसको तुम डाल देना उसमें आइस क्यूब में। अरे आइस डाल फ्रीज़र में डाल देना, काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। ये देखो मुस्कान, पता है ये कोई भी काम करती ना बिल्कुल सफाई से नहीं करती। ये देखो कितना निकल रहा है, देखो इसको लो। अरे मैंने इसको लो उससे किया, अरे बाहर थोड़ा गिरे। ऐसे बाहर गिराओगे मुस्कान? पाउडर डाल, इतना नहीं डाला, कड़वा लगेगा फिर। कितना मैं इसको सिखाऊँ? उसको उठा लो, उठा लो, बाहर मत लगाओ। आइस, ये देखो कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुका है विदाउट आइसक्रीम। तो बिना आइसक्रीम का भी अच्छा लगता है, अगर आइसक्रीम नहीं तो ऐसे भी पूरी सकते हो, अच्छा लगता है काफ़ी। और मैं यहाँ पे इसको स्टोव वगैरह लगा लूँ। होम मेड मार्केट जैसी एकदम कॉफ़ी बन गई है। वेरी गुड। बेचारों की तरह सोया है और उसका इसको टीका लगा दिया, बहुत गंदा दिख रहा है। अंदर काम चल रहा है, देखो पेंट का पूरा दरवाज़ा बंद किया हम लोगों ने। गाइस वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो अभी ना मैं जा रही हूँ अपने रूम में कर्टेंस लगाने के लिए, और मतलब कर्टेंस लगाना है, 5 कर्टेंस लगाना है, 3 इस साइड लगाना है शीशे के पास लगाना है, और 2 इधर लगाना है। काफ़ी मेहनत लगेगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो अंदर ऐसे देख देख कर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है ये, इसलिए मुझे लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसे तो लग तो ईजली लग जाता है, बट इसकी वजह से ना कवर हो गया, तो उसकी वजह से ब्लर क्यों हो रहा है। लगाने में थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगा और काफ़ी ज़्यादा, और नीचे काम चल रहा है। और मैं अभी सोच रही हूँ सफाई तो कर ली हूँ अपने रूम का, तो कर्टेंस लगा देती हूँ, रेडी कर देती हूँ रूम को। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रूम में, क्या है ना, कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर से फ़ैन का, तो लाइट जाता है तो फ़ैन बंद हो जाता है। बट भैया ने बोला एक दो दिन में करवा देंगे ये। और ये एसी का तार है जो कि बहुत ही बड़ा सा खंभा जैसा निकला हुआ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैंने भैया बोला कि इसको हो सके तो और मुड़वा दीजिए, अच्छा नहीं दिखता इसका लुक जो भी आता है, इतना बड़ा सा तार वगैरह है। एसी जब लगेगा तो उसके लिए
और यही है, आज हो सके तो दीदी के साथ जाएंगे थोड़ा स्टूडियो, स्टूडियो जाएंगे, काम है। और बाकी ये बताना आपको ये मेरा ड्रेस कैसा लगा, बहुत टाइम बाद मैंने पहना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ड्रेस। और आज मैंने मैंने आज ब्रेकफास्ट किया है बट लंच नहीं किया हूँ, लंच नहीं करने का मन कर रहा है, ब्रेकफास्ट से पेट फुल हो गया है। मेरे रूम में 5 कर्टन लगेगा तो मैंने साइज कर लिया कि कौन सा साइड का है, तो 3 एक साइड का है जो थोड़ा छोटा है और 2 एक साइड का जो बड़े बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं तो इसको थोड़ा मेहनत लगता है। चलो इस लगाते हैं, देखो क्या बैठ कर कर रही है। तो कर्टन्स लेकर आ गई हूँ और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 24 है, 12-12 लगेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यार पिन लगा है ऑलरेडी मेरे वाले में, ऑलरेडी इसमें पिन लगा हुआ है, कैसे लगाएंगे यार, पसीना छूट जा रहा है, देखते हैं। इसमें पहले हमको गिन लें, काउंट कर लें कितना कितना है, मिलवा दी तो 5 लगेगा। लेबर बन चुकी है ये, भुला गई लू कहाँ इस पे लगाए, आपके में बड़ा मुश्किल का काम है पहले, पता है यार हमको बताओ यार, भूल गए उसमें लगा है पिन, तो क्यों लगा रही है ना, ऐसे लगी उसके अंदर डालिए, भूल गए, डालिए घुमा दीजिए ऐसे ना। मैं क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ उसको पहले निकाल लेती हूँ, मैं डबल मेहनत करेंगी क्या, वो लगेगा ही नहीं, डिस्टर्ब कर देगा, कैसे बिना देखे में लगाएंगे उसमें, हम वीडियो बनाएंगे नहीं, प्यारी दी महारानी बोलेंगी तो बहुत धमकी दोगे, तो फेंक देंगे नाली में, फेंक के दिखाइए देखो ऐसे लगेगा। एक कैसे लगा देंगे प्रिया दीदी उसको, क्या तुम्हें ना बताई हूँ, देखिए दूर से देखिए, जैसे ये पिन हो गया, इधर आओ ना, इधर आओ ना, ये हमको भी देखता है, मान लेने दीजिए, हम भी भुला गए, इधर ये लगाइए, इधर लगाइए, एक लाइट आ रही है, हाँ हाँ डाल, थोड़ी नहीं डाला, वही वही मैडम का जब किया है कि सही डाल, ये ऐसे डालो, इसका मुंह ऐसे होगा, ऐसे ना तो फंस जाएगा, फेंक दबा देगा, इसको ऐसे कर दिए, कैसे इसमें 3 लगेगा पता है, तो 11 बता देंगे, 11 कर देंगे ना, एक आपको छोड़ देंगे 11 के बाद 33, तो ये देखो फ्लावर कितना है इसमें, ये छोटा वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में 3 लगा रही है, जब क्यों होता है, कम दिया है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है पापा, और कहाँ रखी हैं आप, आपका बना रही जो ये लगा रही है, कान में कटा इधर काट लिया है, पुलकी खाया जाएगा ना, ये तो लगा, पहला आप ही लगाइए, सारा एक बार निकाल निकाल के इसमें फिट कर लिए फिर लगाइए, ऐसा बाबा चढ़ेंगे निकालेंगे चढ़ेंगे निकालेंगे, इसको खड़ा होकर ही लगाना, अब मेरी जा रही है, हेलो तो गाइस 2 कंप्लीट हो चुका है, वो 3 कटिंग्स मैंने लगा दिए, और सोने के टाइम ना ये पता है हमको लग रहा है इसमें 4 लगेगा, नहीं नहीं 4 नहीं, अभी मैं इसको कर रही हूँ, रात के टाइम सोने के टाइम ना, यहाँ पे मिरर भी है तो इसको कवर कर सकते हैं, हाँ रात में सोने के टाइम मिरर कवर कर देने का, ऐसे एक लग गया, 4 लग गया, 3 लग गया, तो गाइस देखिए साइड से एक फोटो लो, बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत, हाथ में दर्द हो गया, अभी उधर तभी लगाना है,
उधर तो ही लगा है, लग जाएगा। बड़ा हो टूटा हो गया ना, इस पर बैठ के लगाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? अच्छा, ये बहुत गंदा लगता है, ये देखो बहुत गंदा। इसको अगर ऐसे मोड़ा जाता ना तो ये बहुत खराब लगता है। ये खंबा जैसा निकला है, सभी ये लोग जा रही हैं, ये लोग जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। थोड़ा सा स्टूडियो में जाना है, पता करना है शादी एंगेजमेंट का। हम लोग ना शादी का बहुत सारे रील्स वगैरह उनसे बनवाए, तो पूछेंगे उनके पास है या नहीं, अगर है तो उनसे लेना है, तो उनके पास होगा तो लेकर आएंगे हम लोग। और ये रेडी हो रही है, चलते हैं। रेडी हो जाओ दीदी। गई हूँ स्टूडियो क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज़ होने लगा दीदी के जाने से। थोड़े मतलब बारिश हल्का मौसम बने ही था, थोड़ा बहुत हो रहा था, तो मैं सोची कि अगर मैं भी जाऊँगी बारिश होने लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और दीदी से मैंने बोला बात कर लेना कि उनके पास वीडियो है कि नहीं, अगर होगा तो आप उनसे ले लेना। और बारिश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो अभी सूर्य से भी बात कर रहे थे, हवा बहुत ही ठंडा चल रहा है। और तो सुबह भाभी में बनाए थे नूडल्स, तो मैं ब्रेकफास्ट की थी तुरंत का तो नहीं खाई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको गर्म करके खाने के लिए, क्योंकि भूख लगा है, मैंने लंच भी नहीं किया है। तो चलते हैं खा लेते हैं।